हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी। वेलकम बैक टू आवर ड्रीमलैंड चैनल। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक मिस्ट्री बॉक्स है। तो इसमें क्या है आज आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये तो जाहिर सी बात है, इसमें कुछ प्लांट ही होगा। तो कौन सा प्लांट है, चलिए मैं दिखाती हूँ और अनबॉक्सिंग करती हूँ आप सबके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्लांट है, इसका पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छे से हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और चलिए अभी मैं खोल लेती हूँ। और ये जो प्लांट है ना, ये बहुत ही दूर से आया है, लगभग उड़ीसा से आया है कोलकाता में। तो आने में 2-3 दिन लग ही गया था। तो अभी प्लांट कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। और पैकेजिंग मुझे अच्छा लग रहा है, तो होपफुली प्लांट भी बहुत ही अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। और ये देखिए, ये थर्मोकोल की लेयर भी दिया हुआ है। और इसके बाद ओ वाओ, बहुत ही अच्छे से पैकेजिंग हुआ है। देखिए कितने सारे न्यूज़पेपर दिया हुआ है, ताकि प्लांट अच्छा से रह पाए, कोई भी डैमेज ना हो। आई होप ये जो पॉलीथीन का पैकेट है, इसमें ही प्लांट होगा। जी हाँ, इसमें ही है। ये देखिए, ये लोटस की ट्यूबर है, बहुत ही हेल्दी ट्यूबर है। और देखिए एक लीव्स भी है इसमें। और ये ट्यूबर से मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। और इसको किस तरह से लगाना है वो भी मैं इसी वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। और इसका अपडेट भी मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। वैसे मेरे पास और एक लोटस की प्लांट है, जिसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होते हैं, वो मेरे टेरेस में है। तो इसीलिए मुझे लगा और एक वैरायटी भी मेरे गार्डन में ऐड करना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये ट्यूबर को परचेस की हूँ। अभी ये जो विंटर का टाइम है, ये इसका डोरमेंट पीरियड रहता है। लेकिन वैसे हमारे यहाँ कोलकाता में लोटस बहुत जल्दी तो नहीं मिलता है, और अगर मिल भी जाता है तो बहुत ही महंगा मिलता है। तो अगर चाहती भी हूँ तो मैं परचेस नहीं कर पाती हूँ हर टाइम पर। और ये मुझे बहुत ही सस्ते मिल गए हैं, तो इसीलिए मैं परचेस कर ली है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो फेब्रवरी मार्च में ही इस प्लांट को लगाइएगा। और ये जो ट्यूबर है, ये तो बहुत ही दूर से आया है, तो इसीलिए फंगल इन्फेक्शन का डर रह जाता है। और अगर फंगस लग जाएगा ना, तो ट्यूबर जो है वो ख़राब भी हो सकता है, प्लांट डाई भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं फंगीसाइड में थोड़ा सा इसको भिगो के रख दूँगी। करीब 10-15 मिनट्स तक मैं ऐसे ही इसमें इसको डाल के रखने वाली हूँ, ताकि कोई फंगल इन्फेक्शन का डर ना रहे। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं ऐसे ही इसको अभी 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। और ये जो स्टेप है, ये बहुत ही मामूली सा स्टेप है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं ये साफ़ फंगिसाइड यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो बैबिस्टिन भी यूज़ कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे फंगिसाइड होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई भी फंगिसाइड अवेलेबल ना हो, तो थोड़ा सा जो टर्मरिक पाउडर होता है वो भी पानी में घोल के उसमें भी आप इसको डाल के रख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं इसको रखने वाली हूँ, और फिर इसके बाद मैं इसको मिट्टी में लगाने वाली हूँ। तो जो सॉइल है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो एक टब है, ये प्लास्टिक का टब है, तो इसमें ही मैं वो प्लांट को लगाने वाली हूँ, ट्यूबर को लगाने वाली हूँ। और सॉइल जो है, वो तालाबों में जो सॉइल मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है, पॉन्ड का जो सॉइल होता है। लेकिन अगर वो ना मिले, तो जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गार्डन सॉइल ही यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं मिट्टी को पानी डाल के ऐसे ही करीब 3-4 दिन से भिगो के रखी हूँ ऐसे। और जितने दिन ज़्यादा पानी को रख सकेंगे उतना ही अच्छा होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी मिनिमम 7 डेज ऐसे ही पानी डाल के मिट्टी को रख दीजिए। और फिर उसके बाद ये जो ट्यूबर है, इसको अभी मैं लगाने वाली हूँ। और अभी ये तो लगभग 15 मिनट्स तक ऐसे ही डुबो के रखी थी, अभी इसको मैं लगाने वाली हूँ इस टब में। और पानी जो है वो मैं हटाई हूँ, ताकि आप लोग को मैं अच्छे से दिखा पाऊँ।
और ये जो है इसका साइड से लगाना पड़ता है, बिल्कुल मिडिल में नहीं लगाना है, क्योंकि ये राउंड करके ना इसका जो डेवलपमेंट है वो ऐसे होता है। और बस ऐसे ही थोड़ा सा प्रेस करके मैं इसको रखने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो डैमेज हो सकता है। तो बस ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी इसको इस तरह से। और सॉइल का ध्यान रखना चाहिए, सॉइल में जो ईटा का टुकड़ा या पत्थर ये सब ना होना ही अच्छा है। और ये देखिए यहाँ से इसको कट किया गया था, तो ये हमेशा मिट्टी के ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ से ख़राब हो सकता है, ट्यूबर जो है वो गल सकता है और प्लांट डाई भी हो सकता है। तो ये हमेशा मिट्टी के ऊपर रखना चाहिए इस तरह से, ये देखिए। और अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा नीम खली ऐड कर सकते हैं, नहीं तो वैसे मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड की हूँ। और अभी मैं ऐसे इसमें पानी डालने वाली हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आप पानी भर के फिर उसके बाद ट्यूबर को लगा रहे हैं तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अच्छे से आप लोग को दिखाना चाह रही थी तो इसीलिए मैं पानी को हटा दी थी। और अभी मैं फ्रेश पानी इसमें डाल रही हूँ, और बहुत ज़्यादा पानी मैं इसमें नहीं दूँगी, अभी लीव्स का नीचे तक ही इस पर पानी दूँगी। और जब भी इसका जो लीव्स है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो पानी का जो लेवल है वो भी मैं इनक्रीज़ करती रहूँगी। और अभी देखिए जो पानी है वो थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, थोड़ा सा गंदगी इसमें दिखाई दे रहा है शायद, क्योंकि अभी अभी इसमें मैं पानी डाली हूँ इसीलिए। तो थोड़ा सा जब टाइम जाएगा ना तो धीरे धीरे जो पानी है वो क्लियर हो जाएगा। और अभी मैं ऐसे ही इसको करीब 7 डेज तक शेड एरिया में रखने वाली हूँ। तो ये देखिए ये नेक्स्ट डे है, और अभी देखिए जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो गया है और ऊपर में फ्रेश पानी है। और अभी विंटर का टाइम है तो इसीलिए ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन होपफुली बहुत अच्छे से ये सर्वाइव कर जाएगा। और अभी ऐसे ही रहने वाला है, थोड़ा बहुत एक दो करके इसमें लीव्स निकलेगा और फेब्रुअरी से बहुत अच्छा इसमें डेवलपमेंट नज़र में आएगा, तो तब मैं आप सबके साथ ये प्लांट ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप एक्वाटिक प्लांट में नए हैं तो फेब्रुअरी मार्च में ही इस प्लांट को लगाइएगा, ताकि बहुत जल्दी इसका ग्रोथ जो है वो आपको दिखाई देगा। और चलिए मैं और कुछ प्लांट भी दिखा देती हूँ अपने गार्डन का, क्योंकि विंटर गार्डन मैं अभी तक आप सबके साथ नहीं शेयर की हूँ। थोड़ा बहुत प्लांट यहाँ पे है, क्रिसेंथेमम है और कुछ गेंदे का प्लांट है, मैरीगोल्ड, तो ये सब ऐसे ही चल रहा है। तो बहुत जल्दी ये सब भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। होप करती हूँ आज का वीडियो आप सबको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नए कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।